हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ में CSIR नेट फिजिकल साइंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किस तरह से करें, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि गए 16 सितंबर को, 16 सितंबर 2022 को CSIR नेट फिजिकल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए भी मैंने वीडियो बनाया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ उस लिंक को फॉलो कर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा भी गया होगा, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा भी गया होगा और कई लोगों का बहुत बेकार भी गया होगा। तो जिन लोगों का अच्छा गया है उनके लिए तो ठीक है, जिन लोगों का बेकार गया है उनका क्या, क्या वो आने वाला जो एग्ज़ाम है यानी कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम है उसको उनको देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इसी तरह से कई लोग होंगे जिनके लिए ये एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की तरह रहा होगा, वो एग्ज़ाम वो लोग अब सेप्टेम्बर दिसंबर वाला एग्ज़ाम देंगे तो उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और कई लोग हैं जो पहली बार दिसंबर का एग्ज़ाम देंगे तो उनको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास तीन कैटेगरी के लोग हुए, अगर मैं बात करूँ तो एक तो वो लोग हैं जिन्होंने कोचिंग की हुई है या जिनको सेल्फ स्टडी की हुई है, जिन्हें बहुत आता है, जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया कुछ गलतियों की वजह से, या कह लो कि आप एग्ज़ाम फोबिया की वजह से उनका जो एग्ज़ाम है वो गड़बड़ हो गया, एक कैटेगरी में तो वो आ गए। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आ गए जिन्होंने CSIR नेट जो सेप्टेम्बर वाला, जो 16 सेप्टेम्बर को एग्ज़ाम हुआ था, उन्होंने वो एग्ज़ाम दिया था, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है चीज़ों का कि कौन सी चीज़ें किस तरह से होती है, यानी कि किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, क्या पूछा जाता है, परंतु इतना डीप में उन्हें आइडिया नहीं है। तो दूसरी कैटेगरी के लोग वो हो गए। थर्ड कैटेगरी के लोग वो हो गए जो कि दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम को पहली बार देने वाले हैं। तो एक एक करके हम तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी के लोग, जिन्हें बहुत कुछ आता है, यानी कि जिनकी थ्योरी क्लियर है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं, या ऐसा कह लूँ जिन्होंने थ्योरी बहुत की हुई है, थ्योरी बहुत आती है, जिनको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस करने से डर लगता है, तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ की रामबाण इलाज है कि वो बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो उनकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करनी है, यहाँ पर आपको आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट लेना है। एक कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स जिनसे स्कोर बनता है, यानी कि जैसे मैं बात करूं EMT की, मैं बात करूं क्लासिकल मैकेनिक्स की, मैं बात करता हूं क्वांटम मैकेनिक्स की, है ना, और इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट है जहां से स्कोर बनता है, MMP मैथमेटिकल फिजिक्स, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां से स्कोर बनता है, यानी कि यहां से स्कोर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह से जहाँ से रैंक बढ़ानी हो, यानी कि जो पार्ट सी में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, वो कौन सा हो गया, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स हो गया, वो कौन सा हो गया, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स हो गया, और कौन सा हो गया, कंडेंसमेंट मैटर हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, और कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से रैंक बनती है। पहली बात तो ये हो गया कि आपने ये कैटेगराइज कर लिया सब्जेक्ट्स को कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग है और कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से रैंक बनती है। तो पहली सबसे तो हमें क्या करना है कि मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिन लोगों की थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है परंतु उनको क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो उनको क्या करना है, कैटेगरी दो बटी गई है, एक वो सब्जेक्ट्स है जो स्कोरिंग है और एक वो सब्जेक्ट्स है जहाँ से क्या बनेगी, रैंक बनेगी, यानी कि जो 5 नंबर में ज़्यादा पूछे जाएंगे, और जो स्कोरिंग वाले हैं वो 3 नंबर में भी मिलेंगे और 5 नंबर में भी मिलेंगे। तो आप क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब इनके जोड़े बना लो, आप एक सब्जेक्ट उठा लो ये, या दो सब्जेक्ट उठा लो ये, एक सब्जेक्ट उठा लो ये, फिर दो सब्जेक्ट उठा लो ये, फिर एक सब्जेक्ट उठा लो ये। टाइम टेबल आपको बनाना है, किस तरह से आप बनाते हो उसमें आप समझदार हो, या मुझसे चाहते हो कि मैं आपको टाइम टेबल के रिलेटेड कुछ बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बता दीजिए कि सर हमें इस टाइम टेबल की स्ट्रेटजी भी बताइए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। करना क्या है, आपको बहुत अच्छी मार्केट से कोई बहुत अच्छी बुक लेनी है जिससे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली जो बुक्स आती हैं उनको भी साथ में लगाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको आपकी जो भी कोचिंग होगी वहाँ से असाइनमेंट्स मिलते होंगे, है ना। कोचिंग नहीं करते हैं तो अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो किसी यार दोस्त से जो है असाइनमेंट ले लीजिए, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आप असाइनमेंट डाउनलोड करके और वो जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर है, किसी कारण से उनका जो एग्ज़ाम है अच्छा नहीं गया है। अब बात करते हैं कैटेगरी सेकंड और थर्ड वाले लोगों की।
सेकंड में कौन से कैटेगरी वाले लोग थे, जिन्होंने एक्सपीरियंस तो ले लिया एग्ज़ाम का परंतु उनको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, और थर्ड कैटेगरी में कौन से लोग हैं जो पहली बार एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाले हैं। तो इन दोनों लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, वो मैं ज़रा बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि फर्स्ट केस में हमने किया था, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट की कैटेगरी बना लेनी है। सब्जेक्ट की आपने कैटेगरी बना ली, कैटेगरी में एक सब्जेक्ट वो आ गए जो कौन से होंगे, स्कोरिंग होंगे, और एक सब्जेक्ट, एक कैटेगरी में वो सब्जेक्ट्स आ गए जिनसे क्या बनेगी, रैंक बनेगी। ठीक है, तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए, एक हो गया आपका EMT, एक हो गया क्लासिकल मैकेनिक्स, एक हो गया कौन सा क्वांटम मैकेनिक्स, और एक हो गया कौन सा मैथमेटिकल फिजिक्स। ठीक है, ध्यान रहे ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं चारों, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है इन चारों सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सिलेबस भी जो है इनका वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है इनका, और स्कोरिंग भी होते हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम पास करना है तो ये जो चारों सब्जेक्ट हैं ये आपको करना ही करना है। रैंक बनाने की बात करते हैं तो रैंक बनाने के केस में जो सब्जेक्ट्स हमें काम आते हैं या जो सी सेक्शन में ज़्यादा पूछे जाते हैं कौन कौन से होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजिक्स, एक होता है एटॉमिक, एक हो गया कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और कौन सा हो गया, एक हो गया कंडेंस मैटर फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, और एक कौन सा हो गया थर्मल या थर्मो डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, थर्मो डायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास। अब टोटल मिलाकर कुल कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, 9। ठीक है, टोटल कितने सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, 9। तो अब हमें ये देखना है कि इन सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना कैसे, तो अब क्या करें, तो अब हमारे पास क्या है कि ये सब्जेक्ट है कौन से, स्कोरिंग वाले, और ये कौन से हैं, रैंक वाले। अब ऐसा तो नहीं है कि हम केवल स्कोरिंग पढ़ के चला जाए और रैंक वाले छोड़ दें, तो हमें एट अ सेम टाइम दोनों काम करना है, हमें स्कोर भी लाना है और ठीक ठाक हमें रैंक भी बनानी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार एक बार मैं पास हो जाऊँ बहुत है, तो हमें स्कोर भी लाना है और रैंक भी बनानी है। तो स्कोर भी लाना है और रैंक भी बनानी है, तो दोनों ही चीज़ें हमें साथ में लेके चलनी पड़ेगी। साथ में लेके चलनी है तो हमें जो टाइम है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कैसे करें, मान लो कि आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप 8 घंटे दे पा रहे हैं, और 8 घंटे कब दे पा रहे हैं, जब मैं ये मान रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी। कोचिंग जा रहे हैं तो उस केस में मान लेता हूँ कि मैं आप 6 घंटे दे पा रहे हैं, 6 आवर्स दे पा रहे हैं, या ऐसा मान लिया जाए 5 आवर्स आप दे पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ का मान लेता हूँ मैं 9 आवर्स आप दे रहे हैं सेल्फ स्टडी में। तो आपको क्या करना है, ये जो 9 घंटे हैं इनको 3-3 के ग्रुप में तोड़ लो, 3 आवर्स 3 आवर्स और 3 आवर्स। सिमिलरली यहाँ पे जो 5 या 6 घंटे तुम दे रहे हो इनको 3 ग्रुप में तोड़ लो। अगर 6 घंटे दे रहे हो, 5 घंटे दे रहे हो तो 2 2 1, 6 घंटे दे रहे हो तो 2 2 और 2, ग्रुप तोड़ लिया। उसके बाद आप क्या करो कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पकड़ो जो कि स्कोरिंग है, स्कोरिंग वाले 2 सब्जेक्ट, और 1 सब्जेक्ट वो पकड़ो जो रैंक बनाने वाला है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उठा लिया EMT और मैथमेटिकल फिजिक्स, और रैंक बनाने वालों में आप सबसे पहले, मेरी सलाह ये है कि वो सब्जेक्ट्स लो जिनके जो सिलेबस है वो छोटे हैं और जो आसान पढ़ते हैं। सिलेबस छोटे किसके हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का कम छोटा पड़ेगा, एटॉमिक का छोटा पड़ेगा, उसके बाद किसका पड़ेगा, थर्मोस्टेट्स का पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर EMT और MMP ले रहे हो तो उसके साथ उठाओ न्यूक्लियर फिजिक्स, सबसे पहले इन तीनों पर फोकस करो, इन तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं इनको आप ख़त्म करो। कैसे करना है मैंने वो आपको बता दिया, 3-3 घंटे के आपको ग्रुप बनाने हैं, 3 3 3, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो 2 2 2, तो आपने क्या करना है, पहले 3 घंटे में ये दोनों सब्जेक्ट पढ़े। ठीक है, साथ में इनके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी किए, फिर अगले 3 वाले घंटे हैं जो उसमें आपने क्या पढ़ा, ये जो आपका रैंक वाला सब्जेक्ट था इसको पढ़ा और इसके न्यूमेरिकल भी किए, अगर यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल बच गए थे तो वो भी किए। फिर ये वाले जो 3 घंटे हैं इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है जो आपने पर डे पढ़ रहे हो उस चीज़ का, और जो भी आप क्वेश्चन जिसमें अटके थे उन क्वेश्चन को आपको स्टार मार्क करना है, उसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तो वो करना है, यानी कि पूरा आपको जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको रिवीजन देना है। रिवीजन के साथ जिन क्वेश्चंस में आप अटके थे या जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे थे उनको स्टार मार्क दे देना है, और
उसके अलावा कुछ नया मिला तो वो क्वेश्चन करना है। सेम कहानी कहाँ पर है, दो दो घंटे वाले दिन में। ये हो गया फर्स्ट डे, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं कि अगर आप पहुँच गए सेकेंड डे पे, तो सेकेंड डे पे क्या क्या करना है आपको, वही चीज़ करनी है, तीन। अब ये जो तीन घंटे हैं, लास्ट वाले तीन घंटे के अंदर क्या करना है, जो इसके पहले वाला दिन था, तो प्रीवियस डे उसके जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पर रिवाइज करनी है। साथ में जो आज का था, जो प्रेजेंट डे का था, जो भी रिवाइज करना है वो भी यहाँ पर आपको रिवाइज करना है। वही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे थे उन पर क्या करना है, स्टाफ मार्क करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब एक वीक कंप्लीट होगा तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, रिवाइज कर चुके होंगे और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस तैयार हो चुके होंगे। अब जब वीक एंड हो रहा होगा तो जो भी आपने पिछले 7 दिन में पढ़ा है ना, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो लेके बैठिए, अलग से एक टाइम फ्रेम बनाइए और उस टाइम फ्रेम के अंदर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और ये देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना समझ पा रहे हो चीज़ों को, कितना नहीं समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें आपको कंटिन्यूसली करनी है अगले 6 महीने तक। इस 6 महीने के दौरान ये जो सब्जेक्ट्स हैं आपके कम से कम दो बार आपके ये रिवाइज़ हो जाने चाहिए। ये चीज़ें जितनी भी हैं दो बार हो जानी चाहिए। ऐसा आप करोगे तो आप देखोगे जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे अलग ही कॉन्फिडेंस होगा तो जो एग्ज़ाम है वो इस बार चाहकर भी ख़राब नहीं होगा और निकलेगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं आपकी हेल्प ऐसे कर सकता हूँ कि 27th ऑफ सितंबर से मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं 1000 क्वेश्चंस कराऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। जितने भी हमारे 9 सब्जेक्ट्स हैं उन 9 के 9 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि पहले हमने लिया लेट सपोज EMT का, फिर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के करेंगे, यानी कि ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट से लगभग 900 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे हो जाते हैं, 100 या 110 क्वेश्चन के आसपास हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा 50 डेज़ में हम 50 कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, 50 डेज़ और 50 कॉन्सेप्ट्स ये भी हम करेंगे। तो जो लोग मेरे साथ इस चीज़ में जुड़ना चाहते हैं या इस चीज़ को देखेंगे तो कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हम ऐसा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।